दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कितना बड़ा मछली है, ये लगभग 5 किलो का होगा। चांदनी पकड़ो, हरिहर जी के हाथ में अभी है, ये भी 5 किलो का होगा। अकेले होगा ये 5 किलो का। और चांदनी खाने के लिए खोज रही है इसको। चांदनी किधर गई? लो पकड़ो आओ। हेलो दोस्तों, से स्वागत है विजय रिया ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी आप लोग देख रहे होंगे हम लोग कहाँ गए, तो अभी हम लोग तालाब आए हैं, मछली पकड़ा रहे हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं पीछे में कितने सारे लोग हैं और कितने भीड़ है, और आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं कि गांव मतलब गांव के लोग कैसे मछली पकड़ते हैं जाल से। तो आप सभी लोगों को वेब कैम से दिखा रहे हैं दोस्तों, और आज कुछ स्पेशल ब्लॉग बनने वाला है। चांदनी मत आओ, चांदनी भी आ रही है मेरे साथ। मैं नहीं आओ, गिरोगे, बहुत खाई है ना तालाब में। और वो लोग जाल से मछली को उठा रहे हैं भैया लोग, जिनके भी एक आइडिया होना चाहिए। कला हर किसी से ये काम नहीं होते हैं, बहुत ही भारी होते हैं। आपसे लोग दिखा रहे हैं कितने सारे मछली अभी उठेंगे। अभी चांदनी भी मछली पकड़ ली। चांदनी दिखाओ, चांदनी दिखाओ, खाओगी मछली? खाओगी जी? सब लोग देख पा रहे हैं भैया लोग आ रहे हैं मछली लेकर के जाल से। देख कितने बड़े बड़े मछलियाँ हैं, और कितना खाई है, कितना गड्ढा है तालाब, कितना बड़ा मछली देखिए। आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं, ये तो 5 किलो का होगा एक ही मछली। पूर्णा हाँ, बहुत बड़ा मछली, 5 किलो का होगा ये। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कितना बड़ा मछली है, ये लगभग 5 किलो का होगा। चांदनी पकड़ो, चांदनी को पकड़ा रहे, पकड़ पाए, इधर आओ बेटा, इधर आओ, नहीं कुछ करेगा, आएगी थोड़ा। बड़ा इसका मुंह, इसका मुंह देखिए, लो चांदनी देखो तो। चांदनी चांदनी को डर लगता है मछली से, और ये 5 किलो से ऊपर होगा ये, और एक मछली है। तो दोस्तों से लोगों दिखा रहे हैं कितने सारे यहाँ मछलियाँ हैं, ये देखिए कितने बड़े बड़े मछली है, ये मछली मछली आज बहुत सारा मछली है, भैया लोग पकड़ रहे हैं, बहुत सारा मछली है। दोस्तों देखिए ये मछली कितना बड़ा है, ये लगभग 5 केजी का होगा। भरिया जी के हाथ में अभी है, ये भी 5 किलो का होगा। और चांदनी तुम्हारा वाला किधर गया? पकड़ो पकड़ो, गोदी लो लो, तुमसे बड़ा है मछली, दिखा दे। हम दिखा रहे चांदनी का हाइट कितना मछली, देखिए चांदनी उतना बड़ा मछली है, कुछ कम नहीं। तो देखिए, देखो चांदनी तुम्हारा उतना बड़ा मछली है, देखो उधर है ना, बहुत मोटा है। तो दोस्तों देखिए भैया आप जाल फेंकने वाले हैं, और किस तरह से भी मछली पकड़ेंगे आप सभी लोग को दिखा रहे हैं, वो देखिए। कहाँ भागल जाए रे, बुझा नहीं आला, फिर नहीं बुझा आला, किसी ने बुझा हम रख दे। हाँ रख दे। दोस्तों देख सकते हैं कितने सारे मछलियां भैया लोग पकड़ के उठाए, आप सभी लोग को वेब कैमरे से दिखा रहे हैं। हाँ, और देखो चांदनी उधर बैठ के देख रही होगी, अपना उधर बैठे हुए चांदनी, और अभी हम लोग को जाना घर में फिर काम करने के लिए। ये देखिए मछलियां, कितने सारे मछलियां आप सभी लोग को दिखा रहे हैं। सब लोग देख पा रहे हैं, एक जाल मछली है, इसमें बहुत सारा मछली होगी, सब बड़ा बड़ा मछली है, हर मछली 1 किलो से ऊपर होगा, ऊपर ताजा मछली है ये। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ना कैसे मछली पकड़ा रहे हैं, कितने सारे अभी लोग जमा हुए हैं अभी मछली पकड़ने के लिए, इतना अच्छा लग रहा है। और इधर रियाजी इधर सुस्ता रहे, इधर छांव में बैठे हुए हैं अभी, ये देखिए काफी अभी धूप है ना, तो यहाँ छांव में बैठे हुए हैं। और हम लोग का घर बस इसी के सामने है, थोड़ा सा दूर में इस जगह में, और चांदनी भी वहाँ देख रही है मछली। चांदनी देखिए, चांदनी मछली देख रही है, इसको देखने में बहुत मस्त है मछली। मछली बनाएंगे, ताजा ताजा मछली बनाएंगे तालाब वाला। और चांदनी चांदनी से पूछते, आओ बेटा चांदनी, कौन वाला खाओगी बताओ? बड़ा वाला देखिए, कौन वाला बताओ? छोटा मछली हम लोग लेके जाएंगे बेटा, है ना? अच्छा बड़ा लेके जाएंगे, बड़ा लेके जाएंगे, ठीक ना? हाँ बड़ा वाला लेके जाएंगे, बड़ा वाला। चांदनी तंग करती है, बड़ा वाला बड़ा वाला नहीं खाएगी, ये खाएगी चांदनी, ये वाला खाएगी, देखिए पकड़ लिए चांदनी, अकेले खा पाओगी? तो दोस्तों आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं कितने सारे अंकल लोग मछली पकड़े हैं, ये देखिए मछलियाँ, कितने सारे मछली यहाँ है। चांदनी आ जाओ, नहीं देखना मछली, देखिए चांदनी वहाँ बैठी हुई है, आ जाओ। और एक मछली 4-5 किलो का भी है यहाँ, अकेले होगा ये 5 किलो का। और चांदनी खाने के लिए खोज रही है इसको। चांदनी किधर गई? लो पकड़ो आओ। हम लोग मछलियाँ ले ली है, अब हम लोग घर जाएंगे मछली लेकर के। कौन वाला हम लोग का मछली है? काकी
ये वाला है, उठाओ बेटा। हाँ चांदनी उठाओ मछली बेटा, देखिए चांदनी ले ली मछली। चलो और दोस्तों लोग मछली ले लिए, अब जा रहे हैं हम लोग घर बनाने के लिए मछली। चांदनी भी ले ली अपने हाथों में, दिखाओ बेटा बनाओगी ना मिठू? देखिए मिठू यहाँ बैठा हुआ, आओ मिठू चलो घर चलो। हाँ चलिए अब मिठू के लिए चाना। अब हम लोग घर जा रहे हैं मछली को लेकर के, अब बनाएंगे मछली को। कितना अच्छा चमक रहा है जी धूप में कितना अच्छा चमक रहा है, गोल्डन की तरह ये मछली है। आ जाओ बेटा आ जाओ, चलो जल्दी। और ये चाचा भी मछली लेकर के जा रहे हैं। कैसा मछली मिले आपको? 2 किलो लिए। अच्छे मिले ना मछली? हाँ मछली अच्छा मिला, ताजा मछली मिला। चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छा है मछली। तो दोस्तों लोग मछली को धोएंगे कुआं में, और देखिए सामने भी आ रही है अपना रस्सी लेकर के, थाली लेकर के, बहुत ही एक्साइटेड है मछली खाने के लिए। उसी के जिद्दी में हम लोग मछली लिए हैं आज, और फटाफट लोग मछली को बना लेते हैं दोस्तों, धो लेते हैं। चांदनी तुम ही बनाओगी मछली, और दिखाओ चांदनी मछली, दिखाओ बेटा दिखाओ। और दोस्तों देखिए ये मछली कितना ही बड़ा, देखिए कितना बड़ा मछली है। चलिए फटाफट बना लेते हैं मछली को हम लोग। तो मछली हो गई पूरी तरह से धोया हुआ अच्छे से, पूरा अच्छे से धो लिए हैं। ये रहा मछली, देखिए पीस पीस कर दिया रियाजी मतलब मछली को अच्छे से। और चलिए इसको बनाते हैं मछली को। पानी एक बाल्टी देखिए, पानी को हम पकड़ ले रहे हैं। चलिए, और चांदनी का बहुत ही फेवरेट है, चांदनी के ही कहने पर हम लोग आज मछली बना रहे हैं। क्या कर रही बेटा तुम? तो हम आग भी जला लिए हैं, और आग मेरा जल गया है, और कितना तेज आग जल रहे हैं। ये रहे हमारे मछली दोस्तों। तो पहले इसमें नमक और हल्दी लगा लेते हैं। इसमें लगा लीजिए जल्दी जल्दी से, जो जो लगाने हैं इसमें गमला में दे दिए। हाँ गमला में डाल दें। अच्छा चलिए ठीक है, क्योंकि रियाजी बनाएंगे तो उनको आता बनाने के लिए। और आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि रियाजी बातें कम करते हैं, बात करिए आप भी। तो इसमें हम नमक डाल लिए, और नमक डाल दिए, अब इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दिए। तुम मिलाओगी बेटा? मछली को अच्छे से बना रहे हैं, मिला रहे हैं रियाजी नमक और हल्दी से। अरे चांदनी भी मिलाने के लिए खोज रही है। वो तो चांदनी हर कामों में आगे आ जाती है हाथ बटाने के लिए, ये बच्ची अभी खेल खेल में ये की करती है ना। इसको ऐसे मिला बेटा, ऐसे करके। और देखिए कितने पीस बने हमारे मछली। तो दोस्तों हम हल्दी और नमक डाल के और अच्छे से हम मिला लिए हैं मछली को, और अच्छे से हम मिला दिए, और चांदनी भी कैसे कर रही है। चलो बेटा हो गया मिला हुआ। तो दोस्तों मेरा कढ़ाई गर्म हो गए हैं, और हम कढ़ाई में तेल डाल रहे हैं, सरसों का तेल। सरसों का तेल, और सरसों का तेल से ज्यादा अच्छे लगते हैं खाने में, खाने में, और बहुत टेस्टी भी लगता है। और चांदनी अपना हाथ कैसे कर लियो बेटा, दिखाओ इधर, देखिए चांदनी अपना हाथ कैसे कर लिए। हल्दी और नमक से मछली को मिला रही थी ना, इसी वजह से। अब इसको अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद हम मछली डालेंगे। रियाजी मछली को तलेंगे, मछली को फ्राई करेंगे, है ना। चलो बैठ जाओ बेटा इधर, बैठो को इधर। तो दोस्तों मेरे कढ़ाई भी गर्म हो गए हैं, और तेल भी गर्म हो गए हैं अच्छे से। अब इसमें हम मछली तलेंगे। अब इसमें डाल दें, एक एक चीज करके डाल दें। फ्राई हो गए हैं, और इसको हम मछली को पलट दे रहे हैं, और इसको पलट दिए, और इसे अच्छे से पक रहे हैं। तो दोस्तों हमारी मछली पूरी तरह से फ्राई हो गए हैं, सब मछली अच्छे से पूरे पक गए, पूरे अच्छे से पक गए।
इसको हम थाली में एक एक पीस करके निकालेंगे। और चांदनी इधर मछली खा रही, देखिए पहले खाने लगी, चांदनी को पहले दे दिए खाने के लिए। और हम लोग मछली इतना हुआ तल के, पूरी तरह से हमारे मछली फ्राई हो गए दोस्तों। देखिए हमारे मछली कुछ इतने सारे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बड़ा वाला मछली है ये। तो दोस्तों सारा इधर मसाला का तैयारी कर लिए, इधर टमाटर काट लिए हैं और इधर प्याज है कटोरी में, प्याज भी काट लिए हैं। अब इसको डालेंगे इसमें कढ़ाई में, और तेल भी इधर गर्म हो गए हैं। मछली को हम लोग अब फ्राई किया हुआ तो हो गया, अब सब्जी बनेंगे मछली का। कहा कि उसमें तेल बचे, उसमें प्याज भी भुजा जाएंगे अच्छे से, तो इसको हम डाल रहे हैं इसमें कढ़ाई। तेल भी बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, तो दोस्तों हमारे सारा चीज हो गए रेडी। अब इधर प्याज भी हमारे भुंजाई गए हैं और इसमें हम टमाटर डाल रहे हैं। और यार जी जल्दी से टमाटर को डाल रहे हैं, और चालू तो पहले ही खा लिए, खा लिए पहले ही है। खाई तो बेटा कितना खाओगी, देखिए कितना खा रही है। इसका बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए, तीन पीस खा ली है ना। तो ठीक है बैठ के खाओ उधर। हाँ चांदनी वहाँ बैठ के खा रही है पहले, और इधर रियाज इधर भून रहे हैं इधर। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, टमाटर को ही कर रहे हैं, धुआं भी लग रहा है। और इधर टमाटर में हम थोड़ा नमक डाल दें। तो आप ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि रिया जी बातें कम करते हैं, तो हाँ ये सच है कि रिया थोड़ा सा बातें कम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कोई ज्यादा बात करते हैं कोई कम बात करते हैं, तो रिया जी थोड़ा कम बात करते हैं। कम बात क्या करते हैं जी, बोलिए। ऐसे ही देखिए ऐसे ही कहते हैं, बोलिए ना कमेंट आते हैं। अच्छा ज्यादा बोलिए, तो ज्यादा बोलेंगे, बोलिए। अब सब्जी को हम अच्छे से भून लिए हैं, देखिए रिया रिया जी बोलने लगे, हम छोड़ दिए हैं भूनने के लिए भुजाने। तो टमाटर को भुजाने दे रहे हैं दोस्तों दो मिनट लगभग, उसके बाद हम मसाला डालेंगे। इधर मसाला अभी इधर रेडी है, बता दीजिएगा तबे ना लीजिए। मछली में सरसों का मात्रा ज्यादा रहता है तो ज्यादा दिए है, और ये हम लोग का देसी स्टाइल से खाना बनता है दोस्तों, जैसे हम लोग गांव में बनाते हैं। हाँ प्योर मतलब जैसा है हम लोग नॉर्मल वैसे ही बनाते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा हम लोग नहीं की चल मछली बनाएंगे तो कुछ अच्छा सा प्रोफेशनल जो हम लोग खाते हैं, जैसे गांव के लोग जो नॉर्मल जीवन है वही हम लोग दिखाते हैं, इसमें कोई बनावटी नहीं होती, जो रियल है बस रियल है ना जी। आप लोग मुझसे कमेंट भी करते हैं कि रिया जी मतलब नॉर्मल रहता है तो क्या दिखाए, बस है ही इसी टाइप के, बस यही दिखाते हैं दोस्तों, ज्यादा इतना कुछ दिखाने का नहीं है कि दिखा पाएगा आप सभी लोगों को। तो चलिए थोड़ा सा भुंजाने के लिए छोड़ देते हैं इसको, तो टमाटर में हम मसाला डाल देते हैं क्योंकि अच्छे से भुंजा जाएंगे, तो हम मसाला इसमें डाल दिए। और इसको हम अच्छे से भुंजेंगे क्योंकि टमाटर के साथ मेरा मसाला भी भुंजा जाएगी अच्छे से। सारा मसाला इधर तैयार हो गए हैं हमारे, पूरी अच्छी तरह से रिया जी कूट दिए टमाटर को। क्या हो गया चांदनी, आलो क्यों रो रही हो, चांदनी भी रो रही है। और हमारे मसाला भी पूरी तरह से रेडी हो गए हैं, अब इसमें हम पानी डाल देते हैं, देख पा रहे हैं। और यार इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे, डाल देते हैं पानी, डाल दीजिए जी जल्दी, हालत खराब हो रही है मेरी, पूरा एकदम आंख से आंसू आने रहे। इतना में हो जाएंगे, हाँ बस देखिए दोस्तों हम लोग इतना सा पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए, ज्यादा नहीं दिए कि उसमें डालेंगे तो आधा सूख जाएंगे। हाँ और बस हम लोग के अब सब्जी कुछ ही क्षण में बनने वाले बन जाएंगे, बस इसको खोलाना और बस मछली को डालना है। ग्रेवी भी पूरी तरह से उबल गए हैं, ये देखिए अच्छे से खोल रहे हैं, अच्छे से खोल रहे हैं। अब इसमें हम मछली डालेंगे, इसमें हम लोग मछली डालेंगे, उसके बाद हम लोग के सब्जी पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। और डाल दे जी, हाँ डाल दीजिए। तो दोस्तों हम डालने जा रहे हैं मछली को, अब अच्छे से हम लोग का सब्जी बन गए, डाल दिए पूरी सब मछली। अब इसको खोलने थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग उतारेंगे इसको, थोड़ा सा खोलने देते हैं दोस्तों सब्जी को, उतारेंगे इसको। अब सब्जी कितना अच्छा से खोल रहे हैं, अब हम सब्जी को थोड़ा सा जला देते हैं,
अब सब्जी भी बन ही गए हैं, अब इसको हम लोग उतारेंगे। तो दोस्तों अभी जाकर के हमारी सब्जी पूरी तरह से बन गए हैं, रेडी हुए हैं। ये देखिए हमारी सब्जी बन गई पूरी तरह से। तो फाइनली हमारी सब्जी पूरी तरह से तैयार हो गए है दोस्तों। 5 केजी का मछली, 5 किलो का मछली नहीं है दोस्तों, ये 1 किलो साइज का मछली था, लेकिन उतने मछली थे लेकिन उन लोगों ने लिए। उतना लेके भी करते क्या, ज्यादा हो जा रही। चलिए अब इसको उतार देते हैं। अब रियाजी सब्जी को उतार दिया दोस्तों, देखिए। और हमारे सब्जी कुछ इस तरह से बने हैं, ये देखिए सब्जी। और इधर काफी अभी तेज आग जाने लगा। तो दोस्तों आज की ब्लॉग वीडियो आपसे लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विलेज लाइफ स्टाइल देखने के लिए। और जो नॉनवेज नहीं खाते उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा दोस्तों, माफ कीजिएगा काफी उड़ा। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहे, खुशियां बांटे। बाय बाय दोस्तों।